नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ भी श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं 5 मिनट 25 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने कहा, नौसेना के योगदान पर हमें गर्व है, आपदा में लोग को बचाने का सबसे आगे रहते हैं जवान। दो हजार 2014 से पहले हर मंत्री खुद को पीएम मानता था, एचटीएलएस में बोले गृह मंत्री अमित शाह। तमिलनाडु में भारी बारिश के चलते स्कूल कॉलेज बंद, चक्रवात जवाद मचाएगी तबाही, जारी हुआ अलर्ट। ओवैसी जान ले, भारत में 1947 दोबारा नहीं आने वाला, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दी चेतावनी। लालू परिवार मान लेता मेरी बात तो तेजस्वी होते बिहार के मुख्यमंत्री, असदुद्दीन ओवैसी ने खोला बड़ा राज। कानपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, ओमिक्रॉन वेरिएंट से परेशान डॉक्टर ने पत्नी बेटे और बेटी को उतारा मौत के घाट। सतीश मिश्र ने बीजेपी और बसपा को बताया एक सिक्के के पहलू, बीएसपी नेता ने उन्नाव में सरकार पर बोला हमला। नोएडा में बनने वाला उत्कृष्टता केंद्र देगा 1.5 लाख रोजगार, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने किया वेबसाइट का शुभारंभ। वाराणसी से भी हो रहा जवाद का असर, बारिश और कोहरे के आसार वाराणसी में बरकरार। सरयू नहर से तराई की बंजर भूमि उगलेगी सोना, 12 लाख कृषक को मिलेगी परियोजना का लाभ। व्हाइट हाउस ने दी रूस को चेतावनी, यदि यूक्रेन पर किया हमला तो होगी कार्रवाई। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया को किया आगाह, कहा जैविक हथियार पाने की कोशिश में है आतंकी संगठन। अंतरिक्ष में नए स्टेशन बनाने की तैयारी में नासा, 3 कंपनियों का मिल रहा है साथ। अफगानिस्तान में क्या होंगे महिलाओं के अधिकार, अखंड ज्यादा ने जारी किया फरमान। ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए डब्ल्यूएचओ ने कसी कमर, दक्षिण अफ्रीका रवाना की विशेषज्ञों की टीम। मयंक ने मुंबई में दिखाया बल्ले का दम, न्यूजीलैंड के खिलाफ ठोका पहला टेस्ट शतक। एशेज में इंग्लैंड के लिए अहम भूमिका निभाएंगे बेन स्टोक्स, जेसन गिलेस्पी ने दिया ये बयान। सचिन तेंदुलकर ने अपने गुरु अचरेकर को किया याद, शेयर की दशकों पुरानी फोटो। कोहली के गलत आउट पर विवाद, थर्ड अंपायर पर फड़के फैंस और पूर्व दिग्गज खिलाड़ी जाफर बोले कॉमन सेंस बहुत कॉमन नहीं। विजय हजारे के लिए यूपीसीए ने घोषित की टीम, गाजियाबाद के करण शर्मा संभालेंगे कमान, कानपुर के 2 खिलाड़ियों को भी मिलेगा मौका। कंगना रनौत की कार पर पंजाब में किसानों का किया हमला, एक्ट्रेस दी सफाई, मैंने नहीं मांगी किसी की माफी। कैटरीना की शादी में पहुंचेंगी 120 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, विक्की ने होने वाले दुल्हन के घर जोड़ा किया ट्राई। करण जौहर ने शेयर की रॉकी और रानी के नाइट आउट की तस्वीरें, मां सोनी राजदान ने कही बड़ी बात। तारक मेहता के जेठालाल के घर बजने वाली है शहनाई, पर शामिल नहीं होंगी दया बहन।
मासराम फेम एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने खरीदी नई मर्सिडीज कार की कीमत है 45 लाख। पांच मिनट में 25 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।